नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। 750 से 10,000 करोड़ के बीच लेना है सहारा इंडिया से जमा करताओं के पैसे, जिसके चलते रीवा के कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा जमा करताओं ने। उनका कहना था, जब संकट के समय हमारा पैसा हमें नहीं मिलेगा तो ये पैसा किसका? हमारे पास अब यहाँ पर धरना प्रदर्शन और आत्मदाह के अलावा कोई चारा नहीं बचता। 750 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच पैसा लेना है सहारा इंडिया से, जिसके लिए सैकड़ों लोग ज्ञापन लेकर पहुंचे रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर। भुगतान न होने पर भूख हड़ताल, आत्मदाह की धमकी दी। रीवा में सहारा इंडिया से पीड़ित लोग जमाकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे सैकड़ों की संख्या में प्रभावितों ने बताया, सहारा इंडिया द्वारा संचालित समस्त स्कीमों में हमने अपने पैसे जमा किए थे, जिसकी जमा राशि लगभग 750 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच है, जिसके लगभग कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं की संख्या 1,20,000 है। पिछले कई सालों से आज तक सहारा इंडिया द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया। जमाकर्ताओं ने अपनी जमा पूंजी आवश्यकता के लिए जमा की थी, लेकिन जमाकर्ता ही अपनी पूंजी पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कोई जमाकर्ता ना तो अपने बच्चों का विवाह कर पा रहा है, ना ही इलाज जैसी आवश्यकता की पूर्ति कर पा रहा है। जमाकर्ताओं का साफ तौर से कहना, कई बार ज्ञापन दिया लेकिन उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सहकारिता मंत्रालय, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, भारत सरकार, सेवी को आवेदन देकर मांग करना पड़ रही हमको। हम चाहते हैं हमारा पैसा तत्काल मिले। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी भी दी है, अगर 30 दिन के अंदर जिला प्रशासन के द्वारा सहारा इंडिया के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई तो सभी जमाकर्ता एवं कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ज्ञापन देने आई एक महिला के पति की मौत हो गई है, बच्चों की परवरिश के लिए उसको पैसे की जरूरत है। हमने साथ बात की अन्य व्यक्तियों से भी, सबका साफ तौर से कहना था, पैसा हम लोग संकट के समय में काम आए इसके लिए जोड़ते हैं। जब हमारा पैसा हमारे काम नहीं आ रहा तो ऐसा पैसा किस काम का? अब हमारे पास शांतिपूर्ण आंदोलन और आत्मदाह के कोई रास्ता नहीं बचा। सुनिए जिनसे हमने बात की उनका क्या कुछ कहना था। नीता सोनी, आपको कितना पैसा फंसा? हमारा 2,70,000 रुपए फंसा है। कब से? ये 2016 में था फंसा है। हमारे पति एक्सपायर हो गए, हमने यहाँ जमा किया, सभी कोई जमा किए, और अगले बार हम नवंबर में भी यहाँ आए थे, तो वही है कि अब शासन दे देते हैं कि हम आएंगे अगले महीना 5 आदमी आएंगे, फिर कुछ होते ही नहीं है। जितना जमा करता, कार्यकर्ता, सब कोई परेशान है, कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन आ रहे हैं। अगर कोई अपराध कर दे तो 24 घंटा नहीं होता है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे कलेक्टर साहब तुरंत आ जाते हैं। अगर हम ही गलत कर दे तो तब के लिए समय हो जाता है। कितना पैसा फंसा है आपका? हमारा 2,70,000 रुपये फंसा है। हमारे पति नहीं है, एक्सपायर हो गए, 2 बच्चे हो, इसे उन्हीं के भरण पोषण के लिए भी अब नहीं हो रहा है। क्या एजेंट है आप? नहीं, हम जमा करता है। यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता सोनी। चलो, हो गया, ठीक है, शुरू करिए। क्या मांग है? शुरू करें। हम लोगों की, सभी जमाकर्ताओं की ये मांग है कि हम सबका सहारा इंडिया में पैसा जमा है और गत कई वर्षों से भुगतान हम लोगों का नहीं मिल रहा है, और हम आज कलेक्टर के माध्यम से यह ज्ञापन देना चाहते हैं, देने जा रहे हैं कि हम सब गरीबों का, हम सब जमाकर्ताओं का, हम सब कार्यकर्ताओं का अतिशीघ्र भुगतान कराया जाए, अन्यथा हम लोग कड़े कदम की ओर अग्रसर होंगे। कितना पैसा फंसा है आपका? हम लोगों का पैसा है कि बहुत से जमाकर्ताओं का पैसा है, लगभग 10,000 करोड़ के लगभग हमारा पैसा फंसा है यहाँ रीवा का। हम लोग सभी जमा कार्यकर्ता है। हम लोगों ने इसके पहले पिछले महीने भी कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया था, लेकिन कलेक्टर महोदय की उदासीनता की वजह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे जो यहाँ अधिकारी बैठते, उन्होंने ये कहा था कि हम संज्ञान लेंगे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब हम लोग
एकदम आक्रोश में आ करके ऐसा आंदोलन करने जा रहे हैं। यही ज्ञापन हम कलेक्टर महोदय जी को आज देने जा रहे हैं कि हम सब जमाकर्ताओं का भुगतान जिस तरह से संभव हो सके दिलाने का कष्ट करें, नहीं तो हम यहाँ भूख हड़ताल पर आने वाले समय में बैठेंगे और अपना आत्मदाह करेंगे। कौन सी कंपनी है ये? ये सहारा इंडिया परिवार है। नाम बता दीजिए। हमारा नाम रावेन द्विवेदी है। केवल रीवा बस में है कि और जगह? पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। हम सब यहाँ रीवा के कार्यकर्ता, रीवा के कार्यालय है, यहाँ सेक्टर कार्यालय है, ब्रांच कार्यालय है, हम सब यहाँ फ्रेंचाइजी कार्यालय है, रीजन कार्यालय रीवा में, पूरे रीवा के हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।